अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने नागरिकता संशोधन कानून के बाद बने हालात पर अपनी राय जाहिर कर दी है। देश भर में जिस तरीके से इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और हर किसी के पास इस मुद्दे का समर्थन और विरोध करने का अपना अपना तर्क है, ऐसे में चल रही इस बहस पर अब जनरल साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए बड़ा बयान दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लीडरशिप इज ऑल अबाउट लीडिंग। देयरफॉर व्हाट इज सो कॉम्प्लेक्स अबाउट लीडरशिप इफ इट इज ऑल अबाउट लीडिंग? बिकॉज व्हेन यू मूव फॉरवर्ड एवरीबॉडी फॉलोज। इट इज नॉट दैट सिंपल। It appears simple, but it's a very complex phenomena. Even amongst a crowd, you find leaders emerge. But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions, as we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. Ladies and gentlemen, leadership is all about leading. Therefore, what is so complex about leadership if it is all about leading? Because when you move forward, everybody follows. It is not that simple. It appears simple, but it's a very complex phenomenon. Even amongst a crowd, you find leaders emerge. But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions, as we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. जनरल रावत का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है। इस पद का अभी ही सर्जन हुआ है और रावत इसके पहले प्रमुख हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल रावत ने पहली बार राजनीतिक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी हो, उससे पहले भी वे देश के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।